भी रामायण महाभारत में इंटरेस्ट है ये वीडियो उनके लिए। स्वागत है मेरे चैनल पर दोस्तों। पिछले वीडियो पे हमने स्त्री पर्व कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। अभी हम शांति पर्व शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले देख लीजिए कितने पर्व होते हैं। प्रथम खंड में सभा पर्व तक, द्वितीय खंड में विराट पर्व तक, तृतीय खंड में भीष्म पर्व, चतुर्थ खंड में स्त्री पर्व तक। उसमें से हम लोगों ने आदि पर्व से लेकर के स्त्री पर्व कंप्लीट कर लिया है। तो मैं आपको बता देता हूँ आदि पर्व में क्या आता है। आदि पर्व में शुरुआत से लेकर के अर्जुन का इंद्र के साथ युद्ध करके खांडव वन के जलाने तक आदि पर्व में आता है। उसके बाद सभा पर्व शुरू होता है, फिर सभा पर्व में जुहे में सब कुछ हार के युधिष्ठिर वन में चले जाते हैं, तो तब तक सभा पर्व है। फिर वन में जाने के बाद जो कुछ होता है वो वन पर्व में आता है। फिर वन में वनवास के बाद विराट नगर में जाते हैं नौकर बनने के लिए, तो वहाँ विराट पर्व शुरू होता है। फिर अर्जुन का सभी कौरव योद्धाओं और महारथियों के साथ युद्ध, तब तक विराट पर्व में। फिर उद्योग पर्व में श्री कृष्ण शांतिदूत बन के जाते हैं, जहाँ पे परशुराम अर्जुन को बेस्ट बताते हैं। उसके बाद भगवद गीता से भीष्म पर्व शुरू होता है, जब अर्जुन कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूँगा। उसके बाद द्रोण सेनापति बनते हैं महाभारत युद्ध का, तब द्रोण पर्व शुरू होता है। फिर कर्ण पर्व, फिर शल्य सेनापति बनते हैं। उसके बाद सौप्तिक पर्व में अश्वत्थामा का श्राप देना, अश्वत्थामा को श्राप देना, फिर स्त्री पर्व। अब शांति पर्व चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। ये मैंने बता दिया है डिटेल में। तो यहाँ से शांति पर्व शुरू होता है। शांति पर्व शुरू करने से पहले आप देख लीजिए शांति पर्व में कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है। आप आराम से देख सकते हैं, वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए और फिर आराम से पढ़ सकते हैं। तो वीडियो को रोकिएगा। तो इतने ही थे शांति पर्व में चैप्टर। मिलते हैं अगले वीडियो पे शांति पर्व के पहले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।